डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या कहा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक बार रिमाइंड करवा देता हूं सारा फटाफट, करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इसको डिनोट किया था अपने एम्पियर से, क्यू को डिनोट किया था कोलाम से, और टाइम को डिनोट किया था सेकंड से। मैंने कहा था अगर एक कोलाम चार्ज एक सेकंड के लिए फ्लो होता है तो कितना करंट होगा, वन एम्पियर। ऐसा यूनिट थी करंट की एम्पियर, नापते थे इसको एमीटर से, एमीटर से इसको नापते थे, और इसको सीरीज में जोड़ा जाता है हमेशा एमीटर को। एमीटर था उसको कहा था अपने किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है लो। ये बात पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट की, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बिकॉज ऐसा क्यों है बेटा, इस बात को समझो, इसकी एक खास बात है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की मतलब इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज, और कितना बताया था 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था ये आपको। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किधर से किधर जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, सेल में कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और करंट किधर से जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपसे कोई डायरेक्शन पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, तो सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, क्यों, क्योंकि ये हमेशा मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मूव करता है किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, उसके बाद हेडिंग डालो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, लिखो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर and other resistance and a switch between the two terminal of a cell or battery, cell
और बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट सर इतनी बड़ी लाइन लिखवा दी, इसका मतलब समझ नहीं आया. क्या बताया मैंने? कहा कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, कंडक्टिंग पाथ का मतलब आपको पता है कंडक्टर से रिलेटेड, कंसिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर एक वायर होगी, कुछ रेजिस्टेंस होंगे, एक स्विच लगा होगा, किसके बीच में? दो टर्मिनल ऑफ द सेल. लेट अस कंसीडर ये एक सेल है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया और ये स्विच लगा दिया, यहां पर ये ग्लो कर रहा है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव. एक दो टर्मिनल है सेल के, पॉजिटिव और नेगेटिव. इसको एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया, एक स्विच लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ को मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट. इसको क्या बोल दूंगा मैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आप लोग क्या करोगे? सर्किट डायग्राम. क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम. उससे पहले कुछ एक इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है यानी सर्किट सिंबल, नीचे हेडिंग डालो सर्किट सिंबल के बारे में वो लिख लो, कुछ एक सर्किट सिंबल ड्रा कर लो. क्योंकि जैसे मैं कहूंगा सेल, तो आप सेल नहीं लिखोगे, उसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दोगे. बस लिखो सिंबल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सर्किट. सर्किट के सिंबल्स क्या है, या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोल दो या सर्किट सिंबल्स बोल दो, सिंपल सी बात है. तीन चार है. सबसे पहले नंबर वन, ये सेल को डिनोट करता है, बड़े वाला प्लस पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव माइनस. ठीक है जी, ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक सेल. नंबर दो, बहुत सारे ऐसे जुड़ जाए, इसको बोलेंगे हम लोग बैटरी. इसको क्या बोलेंगे? बैटरी कनेक्शन. ध्यान से देखो, ऐसे ये बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, इसके बीच में ये कनेक्शन, यहां जोड़ना है इसको. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. ठीक है जी. नेक्स्ट, इसके अलावा सिंपल एक ऐसे, ये दिस इज कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, ये सिंपल कंडक्टिंग वायर है. नेक्स्ट, एक वायर इसके अंदर दे दिया ज्वाइंट, ज्वाइंट इन वायर. उसके बाद यहां बना रहा हूं नंबर पांच, दिस सिंबल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, आगे आएगा रजिस्टर बोल दो. नंबर छह, सेम ऐसा ही है, इसके ऊपर ऐसे एरो बना दो, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है जी. एक और डायग्राम भी आ सकता है सेम इसी का, रियोस्टेट का, ऐसे बना सकते हो, ये रियल स्टेट का डायग्राम. ठीक है जी. उसके अलावा वोल्ट मीटर, सिंपल ऐसे एमीटर, सिंपल है. एक और है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लिख देता हूं इसको, गैल्वेनोमीटर.
आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर वोल्ट मीटर नाप लिया, वोल्टेज को नापता है, एमीटर करंट को नापता है, तो ये और बता दो गैल्वेनोमीटर किसको नापता है। तो लिख लो, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, थोड़ा सा भी हल्का सा भी करंट प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको डिटेक्ट करता है, वो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और हैं सिंबल्स, दिस इज ओपन स्विच, बोल दो इसको, या फिर ओपन प्लग की, भी बोल सकते हो आप। एक ये है, एक और डायग्राम इसी का ऐसे बेटा, ये वाला, दिस इज ओपन, है स्विच। नेक्स्ट, दिस इज क्लोज स्विच, या की क्लोज है, ये ओपन की थी, इसी का एक और डायग्राम, ठीक है जी। लास्ट देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है जी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी बल्ब का है, ये बल्ब, बता दिया था आपको बैटरी के बारे में, बैटरी है क्या, कनेक्शन है, मतलब ग्रुपिंग है, सेल दो या दो से ज्यादा सेल एक साथ जोड़ दो तो उससे क्या बन जाएंगे आप लोगों के, बैटरी बन जाएगी वो। नेक्स्ट आप पढ़ना है आगे, व्हाट इज सर्किट डायग्राम, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं, लिख लेना कहीं, रियोस्टेट क्या है, यहां लिख लो रियोस्टेट, क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इज नोन एज रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। हेडिंग डालो, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, लिखो व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम, डेफिनेशन लिखो पहले, फिर उसको समझेंगे। व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम, अ डायग्राम विच इंडिकेट, हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड by using electrical symbol is called सर्किट डायग्राम। मींस एक बना देता हूं साथ के साथ नीचे, वही सेम एज इट इज, यहां एक बल्ब लगाया,
एक डायग्राम बना रखा है जो इंडिकेट करता है इसमें अलग अलग कंपोनेंट को, ये एक रेजिस्टेंस है, एक स्विच है, एक बैटरी है, एक कंडक्टिंग वायर है. इट मीन्स अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग ए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज किया. मैंने यहां बल्ब नहीं लिखा, बल्ब का सिंबल बनाया है. तो इनको डायग्राम्स को, इन सिंबल्स का यूज करके एक डायग्राम बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम. क्या बोलेंगे उसको, सर्किट डायग्राम. ज्वाइंटिंग वायर कहां दिखाओगे, जैसे मैंने यही लगा दिया, इसके अंदर यहां पर वोल्ट मीटर लगाया, यहां पर ये ज्वाइंट दिखा दिया, ये ज्वाइंट वायर आ जाएगी, रिप्रेजेंट कर सकते. क्लियर है, दिस इज सर्किट डायग्राम, इसको ड्रॉ कर लो.